हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7 में। दोस्तों, आज हम CHS की 2015 के बाद 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं, जिसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कराए गए और जो कि क्लास 9 से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, देखिए पहला क्वेश्चन जो होगा इस सीरीज में ये क्या है आपका, ये कह रहा है कि संख्या -2/3 एवं 1/4 के मध्य परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। -2/3 और 1/4 के मध्य पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, परिमेय संख्या इसके बीच में क्या होगी। देखिए, जब दो नंबर्स दिए गए रहे हैं और इनके बीच में परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार सुन लीजिए इंग्लिश में। ये कह रहे हैं कि -2/3 एंड 1/4 के बीच जो रेशनल नंबर होगी उसका इनवर्स क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो जब हमें दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर दो नंबर्स हमारे ए एंड बी हैं, ओके ए एंड बी टू नंबर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन टू कर देंगे टू फाइंड द रेशनल नंबर। यानी कि परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के डिवाइड बाई टू कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, -2/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2। ये मिलेगा बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 एलसीएम लेने पे और यहाँ पे 4 2 8 3 1 3, तो -8 + 3 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, -11/ कितना आ जाएगा आपका 24। जब इसका हम इनवर्स करेंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -24/5, और ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन -24/5 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा पाइथागोरस का ट्रिक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके लिए हम केवल ऑप्शन चेकिंग मेथड से ही सॉल्व कर पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों ऑप्शन में से हमें चेक करके बताना होगा कि कौन सा इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पहला ऑप्शन देखिए कितना लिखा है, 2, 3 एंड 5, और दूसरा ऑप्शन कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दूसरा ऑप्शन है 5, 7 एंड 9, तीसरा ऑप्शन है गाइस, थर्ड ऑप्शन इज 6, 9 एंड 11, एंड द थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज 8, 15 एंड 17। तो हमें चेक क्या करना होता है इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, कि जो दो छोटे छोटे वाले नंबर हैं इनके स्क्वायर का सम यानी इनके वर्गों का योग, ठीक है, 2² + 3² इनके वर्गों का योग तीसरे यानी कि बड़े वाले के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ पे कितना आ रहा है 25, 4, 9, 13 और ये बराबर कितना हो जाएगा 25। क्या है दोनों बराबर हैं, नहीं, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, देखिए आप कितना आएगा, 5² + 7² = होना चाहिए 9² के, तभी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 25 + 49 = कितना आ जाएगा, 81, 9, 5, 14 + और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6, 1, 7, दिस विल बी इक्वल टू 81। तो क्या 74 81 के इक्वल है, नहीं है। तो अगर 74 81 के इक्वल नहीं है गाइज ना, तो ये क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, 6² + 9² दिस इज इक्वल टू 11² तो ये कितना हो जाएगा, 6² = 36 + 9² = कितना आ जाएगा, 28, यहाँ पे 11 है तो 11² 121 होता है, 121 देख लेते हैं, 617 और ये 3811 ऐसे ही देखिए, ये भी नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, देखिए 8² होगा प्लस क्या होगा, 15² दोनों छोटे छोटे नंबर ले लिए हमने, क्योंकि 8, 15 और 17 में सबसे बड़ा तो 17 है, तो 17 का स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट की यानी पाइथागोरस त्रिक की कंडीशन होती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 8 8 = 64 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 15 15 = 225, दिस विल बी इक्वल टू 289। इधर भी देखिए ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 एंड ये 2 = 289, तो ये देखिए 289 289 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। इसके बाद ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ये कह रहे हैं क्यूबिक रूट ऑफ 7 to 9 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ
512 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सॉरी नेगेटिव 512 है, तो क्यूबिक रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाई -512 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये बस पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका क्यूबिक रूट फाइंड करते हैं। क्यूबिक रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 729 का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पे फिर 512 का भी अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन अगर हमें याद है कि 729 का क्यूबिक रूट कितना होता है, 9। देखिए हमने पहले भी स्टार्टिंग के क्यूब और क्यूब रूट वाले वीडियो में बताया था कि हमें 1 से लेके 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का क्यूब ये हमेशा याद होना चाहिए। अगर ये क्यूब याद है और ये स्क्वायर याद है तो हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कहीं भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आइए बात करते हैं 729 का क्यूबिक रूट कितना होता है, 9 होता है, यानी वर्गमूल कितना होता है, 9 होता, सॉरी घनमूल, क्यूबिक रूट को घनमूल बोलते हैं, घनमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई -512 है, तो 512 का कितना होता है, 8 होता है, -512 का कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -9/8। इन केस अगर ऑप्शन में दिया होगा कहीं भी -1/8 तो वो ऑप्शन भी करेक्ट होगा क्योंकि इसको हम सही फ्रैक्शन होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है कि यदि x-1/6 तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो देखिए गाइस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे क्या, अगर हमें x-1/x की वैल्यू 6 दी गई है और हमसे पूछा गया x² + 1/x² या कहीं पे हमें अगर x + 1/x की वैल्यू दी जाए, मान लेते हैं यहाँ भी 6 ही है या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, चलिए हमने 8 ले लिया, ठीक है, तब भी हमसे पूछा जाए अगर x² + 1/x² = what, तो यहाँ पे हम करते क्या है, जो नंबर दिया रहता है उसका करेंगे क्या, स्क्वायर कर देंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसका क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे और इसके इसी के जस्ट पैरेलल में जो साइन दी गई है उसको देखेंगे। जैसे x-1/x की वैल्यू कितनी दी गई है, मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, तो अगर इधर माइनस है तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 36 + 2 कितना हो जाएगा, ये 38, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, डायरेक्ट आपकी वैल्यू निकलेगी x + x² + 1/x² की। और अगर इस तरीके से यहाँ पे दिया रहा है, जैसे x + 1/x = 8 दिया गया और यहाँ पे हमसे पूछा गया x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ प्लस है ना तो सीधा माइनस कर देंगे, मतलब अगर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, +2, और प्लस होता है तो क्या करते हैं, -2 करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 62 और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, x² + 1/x² की। तो ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समीकरण 10³ + x³ = 1³ + 12³ में x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 10³ + x³ = 12³ + 1³। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 10³ + x³ लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1³ + 12³ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 10 का क्यूब कितना हो जाएगा गाइस, 1000 और प्लस कितना होगा, x³ हो जाएगा। इसके बाद इक्वल टू करेंगे 1 होगा और यहाँ पे 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1729 और ये माइनस कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ से x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 729, बिकॉज 1729 में से अगर 1000 को माइनस कर दिया जाए तो 729 ही बचेगा। अब देखिए ये क्या है आपका x³ और इधर कितना है, 9 का क्यूब है, या फिर आप दोनों साइड का क्यूबिक रूट निकाल लीजिए तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप इस तरीके से पावर में कर लीजिए फिर भी आप कंपेयर करेंगे। देखिए x³ की इक्वल टू कितना है, 9³, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 9 लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ बेसिस, दोनों साइड की जो बेसिस है वो कंपेयर करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x = 9, तो यहाँ पे x का मान कितना था, 9 था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन एक नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है आपका x + y + z = 12, x + y + z = 12 एंड इसके बाद लिखा हुआ है x² + y² + z² दिस इज जस्ट इक्वल टू 64 एंड वी नीड टू फाइंड xy + yz +
जेड एक्स इक्वल्स टू वॉट। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें करना होगा गाइस तो हम करेंगे क्या, देखिए बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आराम से समझने की जरूरत है इसको। आपके पास एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दिस इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये क्या आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स कॉमन ले लेंगे इसमें से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया अब देखते हैं। देखिए हमें जो फाइंड करना था वो था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चीज फाइंड करनी थी। और इसके बाद हमारे पास था क्या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम एक ऐसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो इन तीनों वैल्यूज को मिलता हो। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे देखिए पुट कर लेंगे वैल्यू सारी और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है गाइस 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है गाइस 64, और प्लस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बिकॉज ये वैल्यू अननोन थी और हमें यही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को ट्रांसफर कर देंगे दूसरे साइड में। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो देखिए हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा 144 माइनस 64 इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे गाइस, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 144 माइनस 64 कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 80 हो जाएगा, तो 80 इक्वल टू लिखेंगे 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को भी इधर ले आ देंगे, तो ये 2 के साथ डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 2 जो होगा 80 के साथ डिवाइड में आ जाएगा और ये आ जाएगा 80 अपॉन 2, और हमें जो चाहिए उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू वॉट 40, एंड वी नीड दिस वन ओनली, हमें केवल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि कितना है 40 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लॉटरी पर 100 इनाम है, एक लॉटरी पर 100 इनाम है और इसके 100,000 टिकट बिके हैं, तो एक टिकट खरीदने पर उसके इनाम जीतने की संभावना क्या होगी। तो देखिए इसके क्वेश्चन को जितना इजी है ये क्वेश्चन की कह नहीं सकते, और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का है। ये कह रहे हैं कि एक लॉटरी पर 100 इनाम है और इसके 100,000 टिकट बिके हैं, तो एक टिकट खरीदने पर इसके इनाम जीतने की संभावना क्या होगी, यानी प्रायिकता क्या होगी। मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो देयर आर 100 प्राइजेस ऑन लॉटरी एंड 100,000 टिकट्स आर सोल्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 टिकट इज विनिंग टिकट, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे हमें सीधा सा प्रायिकता का फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट इक्वल टू, ठीक है, किसी भी चीज़ के किसी भी घटना के होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। कुछ छोटा सा ही डेफिनेशन आप अपने मन में याद रख सकते हैं, ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती प्रायिकता में, केवल हमें ये याद रखना है कि जितनी इवेंट्स हमें लेनी है और डिवाइडेड बाई कुल कितनी इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है, उसी से निकलती है अपनी प्रायिकता। तो यहाँ पे देखिए कितनी इवेंट्स लेनी है हमें, 100 प्राइजेस के ही इवेंट्स लेने हैं क्योंकि 100 प्राइजेस ही हैं, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा कुल नंबर, कितने टिकट्स बिके हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड कितना हो जाएगा 100,000 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखिए 0 विल बी कैंसिल विद दिस 0 एंड दिस 0 आल्सो विल बी कैंसिल विद दिस 0, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/1000। इस तरीके से इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, PE इक्वल टू 1/1000। ओके गाइज, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ब्याज दर पर मूलधन राशि 31,250 रुपए डेढ़ वर्ष में 35,152 रुपए हो जाती है एवं ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है, तो इसकी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। लिखा है an amount of 31,250 rupees becomes
35,152 within 1.5 years, then what will be the rate of interest if the rate of interest is compounded half yearly? ठीक है, ये हर छमाही पे ब्याज अगर लगाया जा रहा है तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये तो हमें पता नहीं कितना है। ठीक है, तो हम पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की बजाय करेंगे क्या, टाइम को भी लिख लेंगे, टाइम यहाँ पे हम एन से शो करेंगे, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1.5, तो 1.5 ईयर का मतलब समझते हैं गाइस, ये हो जाएगा 1.5 यानी 3/2 ईयर्स, तो 3/2 ईयर्स में कितने छमाही यानी कि कितने हाफ ईयर्स होंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 3/2 ईयर्स होंगे यानी कि 3 छमाही होंगे। ठीक है, या कह लीजिए 3/2 ईयर्स या फिर 3 छमाही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1+R/100 टू द पावर एन, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड द वैल्यू ऑफ आर इज अननोन, पी की वैल्यू और ए की वैल्यू आप लिख लीजिए, पी की वैल्यू कितनी थी 31,250 और ये कितना हो जाएगा 35,152। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको एक साइड रखेंगे, बाकी चीजों को हम इधर भेज देते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखिए, 35,152 डिवाइडेड बाई 31,250, दिस विल बी इक्वल टू 1+R/100 टू द पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। इन द नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर 2 से कट रहे हैं तो इनको हम 2 से कट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे देखिए 35,152 को तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, 2 7 14 1 बचेगा, 1 1 11, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 17 2 34 1 1 5 हो जाएगा, 5 2 5 10 एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया लग रहा है, 2 1 2 1 5 15 यानी 2 7 कितना हो जाएगा 14, 1 1 2 5 10 और 1 5 2 7 14 और ये कितना हो जाएगा आपका 6, 17576 हो जाएगा। 35,152 को अगर हम लोग 2 से कट किए तो इसके बाद यहाँ देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 15 6 2 5। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका देखिए, ये 1+R/100 टू द पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो ये 26 का क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा, 26 का क्यूब होगा और नीचे कितना है 25 का क्यूब है, नीचे कितना है गाइस 25 का क्यूब है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये इक्वल टू 1+R/100 टू द पावर कितना है 3 है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 26/25 का ये होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरीके से पावर एंड इंडेक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो नंबर से दोनों पे सेम पावर है और दोनों डिवाइड में है, तो क्या होता है दोनों को एक साथ डिवाइड में लेके पावर एक ही कर लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1+R/100 टू द पावर 3। अब देखिए दोनों साइड के पावर्स इक्वल है तो मतलब बेस भी इक्वल होगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड बेसिस, तो ये कितना आ जाएगा 26/25 बराबर हो जाएगा आपका 1+R/100। ठीक है, 26/25 इक्वल टू 1+R/100, देयरफॉर R/100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 26/25-1 एंड दिस विल बी इक्वल टू R/100 इक्वल टू 26-25/25 एंड देयरफॉर R इक्वल टू 1/25, एक्चुअली R/100 इक्वल टू 1/25, देयरफॉर R इक्वल टू 4%, बट दिस रेट इज हाफ ईयरली, क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू जो कैलकुलेट किया है किस पे किया है, हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना एनुअल होगा दिस विल बी 4 × 2, क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं 4 को 2 से डिवाइड, मतलब रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में कैलकुलेट करते समय हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा रेट जो होगा वो एनुअल निकलेगा। सीधी भाषा में कहें तो अगर 6 महीने का ब्याज 4% है तो साल भर का कितना होगा 8% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 8% वाला वो सही हो जाएगा।